आज मैं पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू। मतलब क्या हैज टू प्लस हैव टू और हैड टू प्लस विल हैव टू। ये आज मैं पढ़ाऊँगा, इसका सही प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये आज मैं इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करने वाला हूँ। देख लीजिए, फर्स्ट रूल में बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, हमारे वीडियो कीजिए, को कमेंट कीजिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं पढ़ाने वाला था, यूज ऑफ हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस हैड हैड टू प्लस विल हैव टू, ये आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट रूल आपको बता देता हूँ, चलो देखते हैं। बहुत ही बिल्कुल ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट रूल बता देता हूँ, जैसे जब जब कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में किसमें प्रेजेंट जब कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में दबाव दबाव व्यक्त दबाव व्यक्त करे तो दबाव व्यक्त करे तो वहां पर वहां पर हैज ऑब्लिक हैव टू यहाँ पे प्लस हैव टू का प्रयोग प्रयोग करते हैं। ये देख लीजिए, यदि कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में दबाव व्यक्त कर रहा है तो वहाँ पर हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू का प्रयोग करते हैं। जैसे रूल में बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए दोस्तों, इतना सब हो जाएगा इसमें। देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बता देता हूँ। सर तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है तो क्या सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दबाव व्यक्त कर रहा है कि सहायता करनी है तो करनी है, इसीलिए यूं। और यूं जो है बहुवचन करता है तो यूं के साथ हैव का प्रयोग होगा तो हैव टू। वर्ब क्या है, सहायता करना, हेल्प। हेल्प किसकी, अपने मित्र की, मतलब क्या, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अपना अपना अपनी अपने के लिए जो है सब्जेक्ट के अनुसार एक क्या आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। इसलिए आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हेल्प योर हो जाएगा, क्योंकि यू का अपना के लिए क्या होता है, योर होता है, तो योर फ्रेंड हो जाएगा, अपने मित्र की योर फ्रेंड हो गया। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, जैसे अगला देख लेते हैं, तुम्हें
ये देख लेते हैं, तुम्हें वहां जाना है तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू गो देयर। ये देखिए दोस्तों बन गया। इसी प्रकार से अगला ले लेते हैं, अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलो अगला बता देता हूँ, जैसे रूल नंबर टू बता देता हूँ। देखिए रूल नंबर टू क्या होगा, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैड टू का देखते हैं आगे, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं दबाव व्यक्त करने पर। दबाव व्यक्त कर रहा है तो पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे एक देख लेते हैं, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है। यह ये देख लेते हैं दोस्तों, ये तुम्हें वहाँ जाना है, ये वाला थोड़ा देख लेते हैं, तुम्हें वहाँ जाना नहीं है, ये वाला काट देते हैं, मिस्टेक हो गई इसमें। देख लेते हैं तुम्हें वहाँ जाना, ये वाला मैं ऊपर बना चुका हूँ। अब नीचे दूसरा देख लेते हैं कि उसे खाना पड़ा, उसे खाना खाना पड़ा। ये देख लेते हैं कैसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आप सब्जेक्ट वो तो जान ही गए होंगे, रूल इसका क्या होगा, नहीं जानते तो यहाँ पे लिखवा देते हैं। चलो पहले देख लेते हैं क्या बनेगा, तो बनेगा ही हैड, सभी कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू ईट। अब देख लेते हैं, उसे खाना खाना पड़ा, ही हैड टू खाना ईट द फूड, खाना खाना पड़ा। अब यहाँ पे रूल इसका थोड़ा लिख लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर इसे कैसे, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका रूल हो जाएगा, रूल देख लीजिए, ये ऊपर वाले का रूल है, दूसरे नंबर का रूल नंबर टू डाल देते हैं। तीसरा रूल देख लेते हैं क्या होगा, थ्री रूल्स देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में जब वाक्य दबाव व्यक्त करे तो किसका प्रयोग करते हैं, ये देख लेते हैं। विल हैव टू ऑब्लिक शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके रूल देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है, वह स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो जाएगा विल हैव टू प्लस शैल हैव टू हो जाएगा, विल हैव टू प्लस शैल हैव टू प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका रूल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एग्जांपल देखते हैं, तब भी समझ में आपको आएगा। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, तुम्हें वहाँ जाने के लिए देख लेते हैं, जाने के लिए गाड़ी पकड़नी होगी, तुम्हें वहाँ जाने के लिए गाड़ी पकड़नी होगी। ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट कह रहा है, मतलब क्या, यूं, और यू के साथ यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। उसके बाद में पकड़नी मतलब पाना, गेट द ट्रेन, गेट द ट्रेन, गो देयर जाने के लिए, गो देयर। देख लेते हैं अगला, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हो जाएगा, हैव टू डू दिस वर्क। ये देखिए दोस्तों बन गया। या दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।